जय श्री गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे स्पेशल खस्ता बनाएंगे। खस्ता बनाने के लिए 500 ग्राम मैदा लिए हैं। मैदा को छन्नी में रख लेंगे, इस तरह से छान लेंगे। मैदा छान लिए हैं। अब 250 ग्राम सूजी रखेंगे, सूजी को भी छान लेंगे। पिस्ता बादाम लेंगे, काजू रखेंगे, किशमिश रखेंगे, छोटी इलायची रखेंगे और चीनी लेंगे 250 ग्राम। चीनी को भी ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद का भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे छहोरा, नारियल। ये दरदरा किया हुआ ड्राई फ्रूट्स है वो रखेंगे। शुगर पाउडर रखेंगे। चीनी को आप गर्म पानी हल्का करके उसमें घमा कर भी रख सकते हैं, और आप इस तरह से पाउडर भी बना कर रख सकते हैं चीनी का। अब घी रखेंगे 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच घी है। अब इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स हो गया है, इस तरह से लड्डू बनने लगने से अच्छा तरह से मिक्स हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी रख कर और मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना रख कर और मिक्स करते रहेंगे। खस्ता में दूध भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी रख देंगे। दूध रखने से अच्छा खस्ता बनता है। और इस तरह से मिला देंगे। अब मिक्स हो गया है पूरा अच्छा से। इस तरह से हो जाने से खस्ता हमारा अच्छा बनेगा। अब सबको ऐसे करके एक जगह रख देंगे। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इतना छोटा छोटा लड्डू बनाएंगे। ये देखिए लड्डू हमारा बन गया है। इसी तरह से बना लेंगे, इतना बनाए हैं। इस तरह का खस्ता बनाने वाला एक फ्रेम है लकड़ी का, इसमें ऐसे तेल लगा देंगे थोड़ा सा। लड्डू को रखेंगे और इस तरह से दबा देंगे, दबा देंगे, ऐसे फूल बन जाता है और रखते जाए। अब इसी तरह से लड्डू बना लेंगे और खस्ता बना लेंगे। अब रिफाइन ऑयल रखेंगे। अब गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब एक एक करके रखते जाएंगे। अब हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब एक एक करके धीरे धीरे पलटते जाएंगे। दोनों साइड से हल्का ब्राउन कलर कर लेंगे। अब खस्ता हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब एक एक करके निकाल लेंगे धीरे धीरे। इस तरह साइड में रखने से तेल नीचे आ जाएगा और खस्ता हमारा रखते जाएंगे एक एक करके। खस्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।